वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गपशप नामा और हमारे साथ मौजूद हैं फरा और आदिल। और अभी उनसे हम कुछ गेम्स वगैरह करेंगे जो डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आता है इन गेम्स का। तो आज देखते हैं कि ये लोग एक दूसरे को कितना जानते हैं। आदिल, आज हमारे पास एक गेम है, उसके लिए आपको हम एक हेडफोन देंगे, वो आपने लगाना है। आवाज़ आपको नहीं आएगी, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूँगा फरा से और जो वो जवाब देंगी वो फिर वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, फिर देखते हैं कि वो आपके जवाब और उनके जवाब कितने मिलते हैं, आप दूसरे को कितना जानते हैं अब तक। जी, अब आप हेडफोन लगाएं और मैं फरा से कुछ सवाल पूछूंगा। बढ़ाओ थोड़े से, आवाज़ नहीं आनी चाहिए इनको। अब ठीक है? अच्छा जी, आवाज़ नहीं सही है, ओके। अच्छा फरा, पहले ये बताओ कि दोनों में बातूनी कौन है ज्यादा? आदिल। आदिल है। अच्छा, इनकी तरफ नहीं देखना, आपकी लिप्स सुना सब। सॉन्ग बहुत अच्छा है। अच्छा, शादी से पहले के किस्से, जब अच्छे मूड में होते हैं तो शादी से पहले किस्से सुनाते हैं या बस चुप चुप रहते हैं? एक्चुअली काफ़ी टाइम से, अब लास्ट हम लोग गए हैं कहीं डिनर पे, लास्ट नाइट ही, तो यही बात डिस्कशन चल रही थी कि अब हमारे अंदर वो एक चीज़ वो ख़त्म होती जा रही है ऐसा ऐसा कि हम पुरानी बातें जो हैं वो याद नहीं करते हैं। नहीं तो अक्सर ये कहते होते थे कि भाई तुम्हें याद है ये हुआ था, बताते हैं मतलब हाँ के पहले के। ठीक है। अच्छा, जब आप तैयार होती हैं तो आपकी तारीफ करते हैं या बस? नहीं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। नहीं, जब बुरी लग रही हो तो तभी बोलते हैं कि नहीं अच्छा मेकअप नहीं है। अच्छा, ज्यादा झूठ कौन बोलता है? ज्यादा झूठ कौन बोलता? सॉरी, ज्यादा झूठ। सॉन्ग के इमोशन में बह गया था। झूठ आदिल बोलते हैं उस वक्त, लेकिन उनको फील होता है कि मुझे मतलब ये झूठ बोलते हैं। हाँ, नहीं मैं नहीं बोलती। ठीक हो गया। अच्छा, किस टिकटॉकर से ज्यादा ये इंस्पायर है? आदिल राजपूत। नहीं, अपने अलावा मेल भी हो सकता, फीमेल भी हो सकता। हम लोग नहीं ज्यादा देखते हैं टिकटॉक ना, तो इतना वो नहीं है, हम लोगों को क्रेज नहीं है किसी का, क्योंकि शायद हम अब उस लेवल पे खड़े हैं तो किसी से भी, अगर किसी को भी टिकटॉकर किसी को पसंद नहीं करते। ये फेवरेट सिंगर का मैं आपको बता सकती हूं, उदित नारायण इनके बहुत फेवरेट हैं। ठीक है। घर में किसका राज चलता है? किसका राज चलता है? राज, बड़ा मुश्किल सवाल तो नहीं है? नहीं, कहते हैं कि कुछ माननी पड़ती है, कुछ मनवानी पड़ती है। तो सर सी बात है, घर के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें मैं कहती हूँ कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, तो फिर मेरी ही मानी जाती है। मतलब आपका राज चलता है। जी, ठीक है। घर के कामों में हाथ बटाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। पहले करते होते थे क्योंकि उस वक्त मतलब टांग पे टांग रख के बैठे होते हैं जब काम कर रहे हैं। हाँ, पहले करते होते थे, अब नहीं। सही है। अच्छा, कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसका इजहार बार बार करते हैं? वही जो मैंने आपको बताया था कि इनको ना उदित नारायण बहुत पसंद है, तो इन्होंने मुझे कहा था कि अगर ज़िंदगी में मेरी जो ख्वाहिश है ना, अगर कोई मुझसे पूछे कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे उस बंदे से मिलना है। अच्छा, मतलब उदित नारायण से मिलने की ख्वाहिश? बहुत क्रेजी फैन है। अच्छा, जंगल में अकेले आप जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, एक सोने की गठली पड़ी है जिसमें सोना है, उठा लेंगे या? हाँ, जाहिर सी बात है, गोल्ड किसको पसंद नहीं होता, खासतौर पर लेडीज को, तो उठा, मैं तो उठा लूंगी, आदिल शायद ना उठाए क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उठाएंगे उठाएंगे नहीं, नहीं, नहीं उठाएंगे। उनको पता ही नहीं होगा, ये पूछेंगे मैंने कुछ पहना होगा तो पूछते हैं कि ये गोल्ड का है या आर्टिफिशियल है। सही है, चलें जी उतार दें जी, अब इसको बंद कर दें और अब आपने जो है वो सवाल के जवाब देने हैं। जो कितना मजा आ रहा था, जो हमने फरा से, मेरी बारी है। नहीं, इनसे पहले पूछ लेना। ओके, अच्छा, दोनों में से ज्यादा बातूनी कौन है? मैं। अच्छा, शादी ये तो मैं बड़े अच्छे मूड में जब हूं तो शादी से पहले के किस्से सुनाते हैं इनको या बस? हां बिल्कुल सुनाता हूं, सुनाते हैं। अच्छा जी, क्या लेकिन अभी लास्ट नाइट हमारी क्या बात हुई थी इसी बात पे कि आपने जो है ना वो बातें शेयर करना छोड़ दी हैं? हां, अब आके नहीं, नहीं बातें शेयर करना नहीं, मैंने छोड़ दी एक्चुअली। इनको मैं इनसे मैं हर बात शेयर करता हूँ। किसने कहा कि बातें शेयर करना छोड़ दी है? हर बात शेयर करता हूँ। उस बात का पता है लॉस क्या होता है? एक गलत हो गया। नहीं, उस बात का लॉस क्या होता है? मैंने अभी छोड़ी हुई है। सही है, ये बात सही है। अच्छा सॉरी, मुझे आपके क्वेश्चन के उस वक्त समझ, मुझे लगा शायद जो शादी से पहले हम आपस में बात करते थे वो किससे सुनाते हो, मैं ये करता था, मैं वो। हाँ, वो सुनाते हैं।
बड़े शौक से खुश होकर सुनाते हैं। अच्छा अभी मैं पता क्या, लेट्स सपोज मैं इनको कोई बात बताता हूँ ना कि यार इस बंदे ने ऐसे ऐसे कहा ना, और पता होता है ये बात करने वाली नहीं है उसको, फोन पे जाके ना अभी तुमने ऐसे कैसे कहा था, इस वजह से मैंने अभी इससे थोड़ा बातें शेयर करना कम कर दिया। अच्छा। वो बात शेयर करता हूँ जो करने वाली होती है। ठीक है फराज, अब तैयार होती है, तारीफ करते हैं या इग्नोर करते हैं? बिल्कुल भी नहीं तारीफ नहीं करते, और लड़का बहुत तारीफ करता है। हाँ भाई और है कि जो बोलना है नहीं, जब ईद पे रेडी हुई थी आपने तारीफ की, उन्होंने कहा कि जब मैं सही तैयार नहीं होती बात बात तारीफ की, और मैंने उनको ये भी कहा था कि जब अच्छा मेकअप ना किया हो तो मुझे बोलते हैं कि अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जब अच्छा किया हो तो मुझे बोलते हैं अच्छा। जी किस टिकटॉकर से ज्यादा आप मुतासर हैं इससे इसके अलावा? अच्छा कोई कोई आपका पसंदीदा सेलिब्रिटी कौन है, सिंगर है या वो अदाकार है? पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी, कहीं पे भी मैं मुझसे आप पूरा दिन बुलवा सकते हैं उस टॉपिक पे। उदित नारायण एक इंडियन सिंगर है और मेरे बहुत 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 फेवरेट सिंगर है, बहुत फेवरेट। और फरा को पता है इस बात का? हाँ फरा को बिल्कुल पता है। अच्छा आपको एक और बात बताऊं, मैंने ना मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, इंसान की तो वैसे ही कोई औकात नहीं, बड़ी ज़ात अल्लाह की। सही। हम कहें अभी हम बहुत बड़े बन गए, ये वो इंसान की वैसे जितना मर्जी बड़ा इंसान हो जाए उसकी कोई औकात नहीं है, बड़ी ज़ात अल्लाह की है। तो एक टाइम था मैं सुना करता था उनको, और मेरी जब उस शख्स से बात हुई ना फोन पे बात हुई मेरी। अच्छा। तो मैं कॉल एंड करने के बाद ना मैं ऐसे सजदे में गिर के ना मैंने रोना शुरू कर दिया। अच्छा अब ये पूछे कि मैंने रोना क्यों शुरू कर दिया, मेरी उनसे ऐसी जस्ट एज ए फैन बात हुई। ओके ओके। एज ए फैन बात हुई है। और जितनी उस बंदे की अच्छी आवाज है उतना ही अच्छा वो इंसान है। एक अननोन पर्सन से उस बंदे ने कुछ 12-13 मिनट बात की कॉल पे, और वो भी पाकिस्तान से कॉल कर रहा है, वो इंडिया में ना। अच्छा मैं सजदे में गिर के मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने रोना इसलिए नहीं शुरू कर दिया मेरी उदित नारायण से बात हुई, मैंने रोना इस वजह से शुरू किया, इस बात में मुझे रोना आया कि मैंने उस जात से जो मांगा है ना दिया, उस जात ने मुझे दिया। और ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मांगा है उस जात से उसने दिया, देर से जरूर दिया जरूर है। सही। हमारी क्या, मैं आपको बताऊँ स्मॉल टाउन से हम रहने वाले, हमारी क्या वैसे भी इंसान की कोई हैसियत नहीं, मैं अपनी अभी बोलता हूँ आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सही सही। ठीक है उस जात ने बहुत दी। चलें घर के कामों में हाथ बटाते हैं, टांग पटांग रख के बैठे रहते हैं? बहुत कम, बहुत कम। सही है, बहुत कम। अच्छा कौन सी ख्वाहिश है जिसका इजहार बरमला करते हैं, बार बार करते हैं? अल्लाह पाक सबसे पहले तो औलाद दे। आमीन। ठीक है आमीन आमीन। और ये एक ख्वाहिश भी है। और दूसरी बात ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा अर्ली पैदा हुआ होता ना तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब से मिलता। अच्छा। और मोहम्मद रफ़ी साहब को मिलता। चलिए ठीक है, इस पर भी गलत हो गई फराब। नहीं आपने कहा था ना कि मेरी ख्वाहिश है कि कोई मुझसे पूछे कि आप किससे मिलना चाहेंगे। अच्छा वो यूनिवर्सिटी के डेज। नहीं उदित नारायण के आपने बोला था ना कि अगर जिंदगी में कोई बात हो गई है उदित वाली ख्वाहिश कम हो गई है। नहीं लेकिन आपने ये बात की थी, ये ह्यूमन ह्यूमन नेचर है। आपको कोई चीज मिल जाए ना फिर आपको उसकी वो तड़प जो है कम हो जाए। और इनकी वर्डिंग यही थी कि अगर मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश पूछे ना मुझसे कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है तो मैं बोलूंगा कि मैं मुझे इस बंदे से मिलना है इंशाल्लाह। वो बात हो गई ना वो कम हो गई। हां जी। अच्छा आखिरी सवाल है जी कि जंगल है, जंगल बयाबान है, आप जा रहे हैं फरा के साथ और एक गठरी आपको मिली है जिसमें सोना नजर आ रहा है जनाब, चमक रहा है, उठा लेंगे? कोई देख नहीं रहा, उठा लेंगे या छोड़ के चले जाएंगे? समझ तो गए होंगे हमारे नाज़रीन को भी पता चल रहा है। नहीं ये पहले वहाँ पे खोल के चेक करेंगे कि मुझे पूछेंगे परू ये सोना है या आर्टिफिशियल है, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता सोने का ना। नहीं सोना है कन्फर्म है, मैं बता रहा हूँ मेरे ना मेरे मेरे अब देखें वो मैं छोड़ के जाऊंगा कोई और उठा लेगा। लेकिन उन्होंने कहा मेरे ना मैं उधर उतर होता था कराची में डाउन में उतर कहा रहे नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। सोना हाँ मैंने उनको ये कहा ना कि उनको पता ही नहीं है कि वो आर्टिफिशियल है या सोना है। मतलब मुझे नहीं पता आप नहीं, उन्होंने कंफर्म कर दिया, कंफर्म कर दिया, कंफर्म किया तो फिर तो छोड़ूंगा, कंफर्म होया तो फिर उठाएंगे। मेरे मेरे ना बॉस होते थे टोनी साहब हां डॉन में ना क्रिश्चियन अल्लाह उन्हें खुश रखे, तो उनके साथ मैं मजाक करता होता था, मैं कहता था यार नई नई शादी हुई थी मेरी, मैं कहता सर एक बस ख्वाहिश है आजकल दिल, मैंने कहता क्या, मैंने कहा दिल कर रहा है कि कोई बेगम का ना 2-4 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस कराऊं और उनको किमाड़ी जो है ना घुमाने के लिए ले जाऊं।
तो वो मुझे कहते थे बेटा इंश्योरेंस ओदे नाल नाल अपनी भी करवा लेना। मैं वो क्यों, कहना अगर वो बच गई तो फिर तेरा तो तय ही है। सही। चलें जी फरा आपकी बारी, आपने की हैं 3 गलतियां और अब देखते हैं। फरा, पहला तोहफा क्या दिया था और अब तक का आखिरी तोहफा कौन सा दिया? मैंने 8 आने का गजरन लेके दिया सड़क पे। पहले पहले और बाद में कभी नहीं? पहले मैंने कभी नहीं लेके दिया। अच्छा ठीक है। पहले ये मुझे ना बहुत सारे गिफ्ट, एक्चुअली जब मेरी इनसे बात स्टार्ट हुई थी ना, तो शादी से पहले पहले को मैं उनसे 15-20 लाख रुपए लेके खा गया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार एक बंदी इतना दे रही है, मैं चलो अब शादी कर लूं। और ये हकीकत है। अच्छा मतलब अभी आखिरी भी कुछ मैंने है? मैं उस दौर में जब स्टूडेंट होता था और स्टूडेंट में आपको घर से वीक का 1000-2000 मिलता होता था। हाँ। तो उस वक्त मैं मुझे ना इसने 1.5 लाख का कैमरा लेके दिया। अच्छा बाहर हो तो दिन में कितनी बार फोन करके पूछते हैं? एक आधी बार, ज्यादा नहीं। एक आधी बार पूछते हैं, ठीक है। अच्छा फरा को उनकी कौन सी बात, मतलब इनकी कौन सी बात बुरी लगती है आपको? मेरा गुस्सा करना, मेरा शॉर्ट टेंपर है थोड़ा सा, मैं बहुत जल्दी गुस्सा करता हूँ और फिर मेरा खत्म हो जाता है, इसका खत्म नहीं होता। गुस्सा करना मेरा इसको जो है बुरा लगता है, ठीक है। ज्यादा कंजूस कौन है? मैं। अच्छा खुदा ना खासा अगर आपकी तबीयत खराब हो तो वो परेशान हो जाती है या बस इग्नोर? बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसकी खराब हो मैं रिलैक्स रहता हूँ। कोई गलत बात मत करना। अच्छा घर में किसका हुक्म चलता है? मेरा ही चलता है। आपका चलता है, सही। अगर फरहत दूसरी शादी के बारे में इजाजत दे दे तो किससे करेंगे? मैं नहीं करूंगा। नहीं करेंगे। चलें जी जनाब उतार दें जी अब। सच बोला है मैंने? अभी देख लेते हैं। वो जितना हंस रहे थे ना, आपने कुछ उल्टा ही बोला होगा। चलें जी। अच्छा खाना घर पे ज्यादातर खाते हैं बाहर? सच बोला है, सच। सच बोला है, सच। और फिर बाहर ज्यादा खाया जाता है? ज्यादा। सही है जनाब। पहला तोहफा इन्होंने क्या दिया था और आज तक का आखिरी तोहफा क्या था? सच बताना, उन्होंने बता दिया। कोई गिफ्ट नहीं दिया आज तक। यार ये बुरी बात है आदिल वैसे है। आपकी तरफ से भाभी को एक गिफ्ट भी कोई दिया है? असल में मैं सरप्राइजिंग वो, बल्कि जो मेरे गिफ्ट होते खासतौर पे जो परफ्यूम्स होते हैं वो भी नहीं होते। नहीं वो वो बात तो बताओ, शायद से पहले पैसों पैसे लेने वाले। हाँ वो भी बताइए। वो फिर मैं कभी इनको जो है ना भेज दिया कर, कभी नहीं बोलते थे। फिर एक दिन बैठी हुई मुझे कहती कहती आदिल मैंने बड़ा सीरियस मुंह बना के मैंने ना वो पैसे बर्बाद किए। मैंने कौन से कहते मैंने आपको पहले भेजा कर। वो कल भी मैं ही बोल रही थी, मैंने कहा अगर वो होते ना, नहीं करवा रही हूँ। अच्छा बाहर हो ये तो दिन में कितनी दफा फोन करके पूछते हैं? करते रहते हैं। कितनी? तकरीबन एक दफा दो दफा? नहीं पहले तो शुरू में बहुत ज्यादा करते थे कि हर 10-15 मिनट के बाद, अभी आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद कॉल करके पूछ लेते हैं। सही। कि हाँ ठीक हो, जो है ना वो तो नहीं हो रही हो, बोर तो नहीं हो रही हो। हाँ, पहले बहुत ज्यादा ये नहीं करते होते थे, अब उनको पता है कि भाई अब ठीक है, नॉर्मल हो गया। क्या बात है, अब तक के सारे सवाल सही बताए हैं। अच्छा इनकी सबसे बुरी बात क्या लगती है आपको? गुस्सा बहुत आता है, बहुत डांट पड़ती है मुझे। ज्यादा कंजूस कौन है? मैं एक्चुअली मैं खुद जॉब करती थी तो मैं ना वो एक यूज टू ये थे शाह खर्चियां जिसको कहते हैं। मैं वो मैं करती थी। इसके पास ग्लासेस कितने की है? 2.5 लाख रुपए। ये ग्लासेस अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये जरा ये पकड़ाइएगा केस। तो शाह खर्चियां थी, अब आके घर से बात है कि वो 45,000 रुपए की। अच्छा खुदा ना खासा कभी बीमार हो तो परेशान हो जाती है या बस इग्नोर करती है? जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दफा तो इतना बीमार हो गए थे, फिर मैंने हालांकि इन्होंने मना किया था अम्मी को बताने से, उस वक्त हम कराची होते थे, तो मैंने इनकी अम्मी को कॉल करके बोल दिया था कि आप आ जाएं। अच्छा। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। घर में हुक्म किसका चलता है? घर में जाहिर सी बात है मेरा ही हुक्म चलता है। ये गलत हो गया। नहीं
नहीं मींस जाहिर सी बात है उनको ना एक मनवाने का तरीका है। एक तो गलती की गाइस होती है, सारे भी तो रहना सही बताओ। बिल्कुल। अच्छा अगर मैंने आपकी इज्जत रखना चाहिए थी लेकिन आपको भी नहीं रखना चाह रहे हो। मैंने कहा कि मेरा चलता है, इसमें कौन सी इज्जत रखी है? नहीं मैं बोलूंगी मेरा चलता तो उसमें आपका ईमान बढ़ेगा ना। अच्छा बीवी की बात मानता है ये इसमें कहां गया? वो कहेंगे रणमुरीद है। वो तो आपको पहले भी लोग बोलते हैं। मुझे अवार्ड मिला था पहले, बोल दौर पहले ना, बोल ऐसा पहले जब टिकटॉक स्टार्ट किया ना, कह रहे पाकिस्तान का नंबर 1 रणमुरीद। अच्छा पर आखिरी और बड़ा उस तरह का सवाल है, अगर आप इनको दूसरी शादी की इजाजत दे दें तो किससे करेंगे शादी? क्यों? कोई मैं तो आपको नहीं जानती। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, उसने कहा क्यों? नहीं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कभी नहीं।